हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सब्जेक्ट जनरल इंग्लिश, स्टैंडर्ड 7th। लास्ट वीडियो हमने चैप्टर 1 किया था, टेंस वाला, और आपको मैंने वर्ब वाला दिया था, वो भी आप लोगों ने लर्न किया होगा, राइट? टुडे आज सेकंड चैप्टर टेंस ही है, बट रिवीजन सेकंड। अब तो आपको पता चल जाएगा, आपने वर्ब सब लर्न किए, इसलिए फर्स्ट क्या है, लेट अस रिवाइज 3 मोर टेंसेस डेट वी हैव ऑलरेडी लर्न। आप लोगों को जब भी वीडियो आप देखते हो ना, तब आप लोगों को अपनी बुक साथ में लेके बैठनी है, ओके? सो आपको आइडिया आए कि हम क्या कर रहे हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि टेंस कितने हैं, 3 है मेन। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ओके? लास्ट में हमने क्या, कौन सा टेंस देखा था? पास्ट टेंस देखा था, राइट? सिंपल पास्ट टेंस देखा था। टुडे सिंपल प्रेजेंट टेंस। अ सेपरेट असाइनमेंट इज प्रोवाइडेड फॉर दिस टेंस एंड इट्स वेरियस यूजेस। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, देखो लास्ट में प्रेजेंट पास्ट प्रोग्रेसिव था, आज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है, मतलब किसी है तो वही, पास की जगह प्रेजेंट आ गया है। वी यूज दिस टेंस टू डिस्क्राइब एन एक्शन विच गोज ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। एग्जाम्पल, लुक द बॉयज आर प्लेइंग, देखो ing लगा है, क्रिकेट ऑन द ग्राउंड। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव स्टैंड मतलब कि वो अभी जो भी कर रहे हैं वो क्रिया चालू है, कंटिन्यू। ing तभी लगता है जब हम कोई काम कर रहे हैं, तब बोल सकते हैं। नंदू इज डूइंग हिज लेसन नाउ, नंदू अभी क्या कर रहा है, डूइंग उसका लेसन कर रहा है। द अंडरलाइन वर्ब्स आर इन द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, जिसके नीचे अंडरलाइन किया है वो क्या है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। वी ऑल्सो यूज दिस टेंस टू डिस्क्राइब एन एक्शन विच मे नॉट बी एक्चुअली हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग बट ड्यूरिंग अ सर्टन पीरियड। एग्जाम्पल, माई फादर इज वर्किंग इन अ फैक्ट्री, आई एम रीडिंग हेमलेट। क्या रीड कर रहा है, रीडिंग, देखो ing, वर्किंग में भी ing। द अंडरलाइन वर्ड्स आर इन द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, दिस टेंस इज यूज टू शो द कंप्लीटेशन of an activity in the immediate past. It describes a past action which stands completed just now or a little while ago. Example, अभी खत्म हुआ होगा। I have spoken to him about it. Have, has, present perfect tense. He has made the same mistake again. The underlying verbs are in the present perfect tense. Fill in the blanks using the verbs given in the brackets in the present progressive tense. Present tense होगा उसमें am is आ रही होगा, इतना ध्यान रखना। Past tense में was were होगा plus present participate. Listen, the telephone blank ring. Telephone is ringing. Kya hoga? Telephone is ringing. He blank very well in his business too. He is doing. My friends blank me now. Tease.
आर डिशेज. सी ब्लैंक अ लेटर टू हर ब्रदर नाउ. सी इज राइटिंग. क्या होगा? सी इज राइटिंग. वी ब्लैंक टू अंडरस्टैंड इंग्लिश ग्रामर नाउ. बिगिन. वी के साथ आर आता है ऑलवेज. ही शी ईट होगा तो इज आएगा. वी के साथ आर आएगा. वी आर बिगिनिंग टू अंडरस्टैंड इंग्लिश ग्रामर नाउ. ओके. नाउ नेक्स्ट. फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा तो क्या होगा? हैव हैज. ये ध्यान रखना, जब भी हैव हैज आए तो मतलब समझना कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. ही ब्लैंक मनी टू बाय अ हाउस. ही हैज बोरोड. यहाँ पे दिया है. ओके. हैज. नेक्स्ट. आई ब्लैंक माई होमवर्क जस्ट नाउ. कम्प्लीट. आई के साथ हैव. आई हैव कम्प्लीटेड माई होमवर्क जस्ट नाउ. द क्लॉक ब्लैंक 9 जस्ट नाउ. स्ट्रक. द क्लॉक हैज स्ट्रक. STRUCK. आई थिंक. आई ब्लैंक माई कार कीज. लॉस. आई थिंक आई हैव लॉस्ट. आई हैव. माई सिस्टर ब्लैंक बैक टू कोलकाता. गो दिया है. माई सिस्टर हैज गॉन बैक टू कोलकाता. समझ में आ रहा है आपको क्या है टेंस? पहले हमने पास्ट टेंस किया था. टुडे प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस में पहले प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस होगा तो उसमें ऑलवेज एम इज आर से होगा और प्रेजेंट पार्टिसिपेट होगा. और जब भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा तब हैव हैज आएगा. इतना हमें याद रखना है. उसके साथ पास्ट पार्टिसिपेट. ओके. ध्यान रखना है ग्रामर बहुत इम्पोर्टेंट है इंग्लिश के लिए. और ये सब बेसिक है. आपको इतना इसका तो नॉलेज होना ही चाहिए. और आप लोग अभी 7th स्टैंडर्ड में आ चुके हो सो आप लोगों को ग्रामर में कौन से टेंस में कौन सा वर्ब यूज होता है. V1, V2, V3 हमने लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था. ये सब बहुत जरूरी है. वो आएगा तो ही आपको उसकी आइडिया आएगी. नहीं तो आपको फिर पता नहीं चलेगा कि सेंटेंस जैसे इसमें बताया है. द अंडरलाइन वर्ब्स आर इन द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस. जिस वर्ब के नीचे अंडरलाइन किया है उसके ऊपर से हमें पता चलता है कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस है. सो प्लेइंग डूइंग तो उसके ऊपर से हम डिसाइड करते हैं. अंडरस्टैंड? सेम वैसे ही नीचे भी ऐसा ही दिया है. देखो द अंडरलाइन वर्ड्स आर इन द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस. जो ऊपर दिया था आई एम रीडिंग हैमलेट. माई फादर इज वर्किंग इन द फैक्ट्री. वर्किंग के नीचे अंडरलाइन किया. रीडिंग के नीचे अंडरलाइन किया. सेम टू सेम द अंडरलाइन वर्ड्स आर इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे पता चलता है? हैव हैज के होने से हमें पता चलता है कि ये सेंटेंस है जो दिखा रहे हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दिखा रहे हैं. अंडरस्टैंड? सो हैव हैज वॉज वेयर इज एम आर ये सब चीज कहाँ पे कब यूज होती है कौन से सेंटेंस में वो हमें आइडिया होना चाहिए तो ये आप लोग सेंटेंस कंप्लीट कर पाओगे अदर नहीं. ओके. समझ में आ गया आपको मैं क्या कह रही हूँ? अगर आप लोगों ने इंग्लिश 2 की नोटबुक बनाई है तो ये example 1 और example 2 इंग्लिश 2 की नोटबुक में राइट डाउन करना है. ओके. ओके.
और नहीं बनाई हो तो आप होमवर्क की बुक में भी इसको लिख सकते हो, लेकिन पर्टिकुलरली पार्ट करके एक इंग्लिश 2 का ही है। ओके स्टूडेंट्स।